कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छे भी होने चाहिए। मैं यही प्रार्थना करता हूं आप सब के लिए कि आप सब अच्छे रहें। दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे मुद्दे पर बात करना चाहता हूं जिनको सुनकर लगेगा कि ये शायद हमारे लिए ख़ास नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं आपसे उम्मीद ये लगा रहा हूँ कि आप बिल्कुल सुनेंगे और कृपया समझेंगे भी, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। तो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे ही अलग मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। मेरा नाम हसन इमाम है और मैं दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU का छात्र हूँ। इस वक्त जो हमारे पीछे मूर्ति लगी हुई देख रहे हैं आप, ये है देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, और यहाँ से आपको कुछ संदेश देना चाहता हूँ। संदेश यही है दोस्तों कि आज मैं आपसे ऐसे मुद्दे पर बात करूँगा जो समाज में लोग ये कहकर टाल देते हैं कि ये काम हमारा नहीं है, ये काम सरकार का है, सरकार करेगी। क्या सभी काम सरकार ही करेगी या फिर समाज में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इस काम को करेंगे? आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सवाल ये है कि आपको पता है दोस्तों, 15% दुनिया में ऐसी आबादी है जो किसी न किसी प्रकार के विकलांगता से पीड़ित है। ठीक है, पूरी दुनिया की अगर बात करें तो 15% है आबादी, और अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो ये आबादी 2.68 करोड़ यानी 2,68,00,000 लोग ऐसे हैं जो विकलांगता से पीड़ित हैं, किसी न किसी प्रकार के विकलांगता से पीड़ित हैं। यानी ये ऑस्ट्रेलिया देश की आबादी से भी कहीं ज़्यादा हमारे देश में आबादी है विकलांगों की। तो ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दोस्तों, आप कहेंगे कि ये आंकड़े आप हमें क्यों बता रहे हो, मुझे क्यों समझा रहे हो, ये तो सरकार का काम है, ये सरकार ठीक करेगी इसको। दोस्तों, अगर दुनिया का हर काम सरकार ही करेगी तो हम जैसे लोग या वो लोग जो इस दुनिया में इतने सारे करोड़ों संगठन बनते हैं, योजनाएं बनते हैं, ये तो यूं ही बेकार चला जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे JNU कैंपस में जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि हमारा JNU कैंपस पूरी तरह से एक्सेसिबल है। आप कहेंगे भाई एक्सेसिबल क्या होता है ये? एक्सेसिबल उसे कहा जाता है जहाँ एक नॉर्मल इंसान के लिए सीढ़ियाँ बनती हैं हर जगह पहुँचने के लिए, चाहे वो सरकारी भवन हो, ये रेलवे स्टेशन हो, या ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी साधन हो, कोई भी जगह हो जहाँ एक नॉर्मल इंसान के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई होती हैं या बन जाती हैं। ठीक उसी तरह से दिव्यांगों के लिए हर जगह रैंप नहीं बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो अभी रिसेंटली मैंने भारत यात्रा की शुरुआत की, अभी हाल ही में मैंने भारत यात्रा की शुरुआत किया, जिसमें मैं कई जगह यानी तकरीबन 5,000 किलोमीटर मैंने अपनी गाड़ी से चल के गया हूँ और देखा हूँ। आधा भारत यानी 15 राज्यों का सफ़र किया हूँ और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का सफ़र किया हूँ। इनमें मैंने देखा ज़्यादातर पर्यटक स्थल ऐसे हैं जो विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए सुगम्य नहीं है, सुलभ नहीं है, जहाँ सीढ़ियाँ तो बनी हुई हैं लेकिन रैंप नहीं बनी हुई है। विकलांग एक जगह से दूसरे जगह व्हीलचेयर लेके नहीं जा सकता, कैसे लेके जाएगा जब रैंप ही नहीं बनी हुई है, तो वो व्हीलचेयर लेके जाएगा तो कैसे जाएगा? तो ये सवाल उठता है कि भाई विकलांगों के लिए सुगम में नहीं है, आखिर ये सुगम में कैसे होगा? सीढ़ियाँ कौन बनाता है? सीढ़ियाँ हर जगह बन जाती हैं, कैसे बन जाती है? ये भी किसी न किसी के सहयोग से ही बनता है, किसी न किसी की मदद से ही बनता है। तो रैंप हर जगह क्यों नहीं बनती? विकलांगों के लिए व्हीलचेयर हर जगह पहुँचने लायक क्यों नहीं बनाया जाता? तो इसी सवालों पर मैंने बात करने की कोशिश की, कई लोगों से बात किया, लेकिन किसी ने खुलकर बात नहीं की इस मुद्दे पर, और लोग इनको ज़रूरी नहीं समझते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी मुद्दे पर मैंने कई लोगों से बातचीत की और इसी मुद्दे के रिगार्डिंग मैं दुनिया भर की यात्रा करने की योजना बना रहा हूँ, भारत की भी यात्रा करने की योजना बना रहा हूँ, लेकिन अभी कोविड का समय चल रहा है, इसकी वजह से मैंने अपने कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि दुनिया का, भारत का सभी जगह टूरिस्ट प्लेस, सभी टूरिस्ट प्लेस को सुगम में सुलभ बनाया जाए, ताकि एक विकलांग नॉर्मल इंसान की तरह बराबरी के साथ पहुंच सके, आ सके, जा सके, कहीं भी घूमने फिरने, उनको पूरी आज़ादी हो घूमने फिरने की, ताकि वो कहीं भी आना जाना कर सके। तो ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे पॉसिबल होगा? ये होगा हमारे और आपके सहयोग से। तो हम इसी काम के लिए दुनिया भर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। हम अपने देश को सबसे पहले दिल्ली को सुंदर और सुगम में बनाना चाहते हैं, ताकि कोई भी दिव्यांग, कोई भी विकलांग
कहीं भी घूमने फिरने जाए वो बिना किसी परेशानी और बिना किसी हेल्प के वो एक जगह से दूसरे जगह जा सके और घूम सके। सबसे पहला मेरा टारगेट है कि जितने भी पर्यटक स्थल हैं हमारे देश भारत में और दुनिया भर में, उन सभी जगहों पर रैंप बनाना, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। इस काम के लिए ही हम दुनिया भर की यात्रा करने जा रहे हैं। आपसे बस छोटी सी गुजारिश ये है कि आप इस काम के लिए थोड़ा सा हमें कंट्रीब्यूट करें, थोड़ा सा सहायता करें, थोड़ी सी मदद करें। आपकी एक मदद से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है और दिव्यांग अपनी आँखों से, अपनी नज़रों से वो पूरी दुनिया को देख सके, निहार सके और इस खूबसूरत दुनिया का दृश्य उठा सके। तो बस आपसे गुजारिश है कि आप इस काम के लिए अपना एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन दें हमें, और जो भी आप देना चाहते हैं, चाहे आप UPI करें या फिर पेपल करें या फिर बैंक अकाउंट में डायरेक्ट भेज सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं और कुछ दान दे सकते हैं। और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें बेझिझक हमें कॉल करें, फ़ोन करें या मेल करें या व्हाट्सअप करें, हम आपके हर सवाल का जवाब बाखूबी पूरा देने को तैयार हैं। तो इन्हीं वादे और उम्मीद के साथ आपसे उम्मीद करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।